नमस्कार, स्वागत है आपका स्ट्रीट बस न्यूज में और मैं हूँ प्रतिमा सा। नवरात्रि में शक्ति की देवी माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। नवरात्रि का आठवां दिन यानी दुर्गाष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान है। कहते हैं कि महागौरी की पूजा से मन चाहे विवाह का वरदान मिलता है, वही माँ भक्तों के आर्थिक संकट भी दूर करती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माँ ने कठोर तपस्या की थी। इस दिन माँ की पूजा करने से मन चाहे जीवन साथी की मुराद पूरी होती है। माँ महागौरी के प्रसन्न होने पर भक्तों को सभी सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, साथ ही इनके भक्ति से हमें मन की शांति भी मिलती है। माँ की उपासना से तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। महागौरी देवी दुर्गा के नरम पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें अक्सर चार हाथों से चित्रित किया जाता है। वो क्रमशः ऊपरी दाएं और बाएं हाथ में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती हैं, जबकि वो अपने भक्तों को निचले हाथ से अभय और वर मुद्रा दिखाते हुए आशीर्वाद देती हैं। एक बैल पर चढ़े हुए देवी के इस रूप को उनके सफेद रंग के कारण महागौरी कहा जाता है। आमतौर पर भक्त अष्टमी तिथि पर कंजिका पूजन का आयोजन करते हैं। नौ कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें देवी के रूप में बिठाया जाता है। उनकी पूजा की जाती है और उपहारों से नहलाया जाता है। इसके बाद स्वादिष्ट व्यंजनों से उनके दावत का आयोजन किया जाता है। वैसे तो कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का ज्यादा फल होता है। माँ महागौरी की पूजा करने से मन पवित्र होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।